और अगली खबर है अजमेर से। अजमेर रसद विभाग के साथ ही डीएसटी की टीम ने अवैध रूप से की जा रही गैस रिफिलिंग मामले में कार्रवाई की है। डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 20,000 से भरे गैस सिलेंडर को, दरअसल यहां पर गैस टैंकर को जब्त करने के साथ ही 74 सिलेंडर भी सीज किए हैं। अजमेर के मांगलेवास हाईवे पर ढाबों की आड़ में अवैध रिफिलिंग का गोरख धंधा चलाया जा रहा था। सिलेंडर अवैध रिफिलिंग पर विभिन्न रेस्टोरेंट, ढाबों और अन्य स्थानों पर सप्लाई की जा रही थी और इसको लेकर जांच अब चल रही है। 28 नवंबर को अजमेर एसपी चुनाराम को अवैध रिफिलिंग की सूचना मिली। इसके बाद रसद विभाग और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की, जांच पड़ताल शुरू की और इस छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। देर रात हुई इस कार्रवाई के दौरान एलपीजी टैंकर चालक मौके से फरार हो गया है। संचालक नरेंद्र जैन और उसके बेटे को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ इस मामले में अन्य लोगों को भी यहाँ पर जो है जानकारी जुटाई जा रही है, अन्य लोगों से भी। तस्वीरें मौके की दो आपके सामने। तो बड़ी अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। कार्रवाई को अंजाम यहाँ पर दिया गया है। करीब 74 सिलेंडर सीज किए हैं और बड़ा टैंकर जब्त किया है। बाकी अगली कार्रवाई जारी है। अभी दो जने पुलिस कस्टडी में दे रखे हैं, FIR दर्ज करा के अगली कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये सिलेंडर किसके थे और कहाँ सप्लाई होने थे? नरेंद्र जैन करके है कोई आदमी, एक रोड का लड़का अनुज जैन जो मांगलियावास के रहने वाले हैं। ये लोग इस तरह से अवैध रिफिलिंग कराते थे टैंकर से। और सहयोगी अशोक इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, हमने रिएक्शन सुना, कहा जा रहा है नरेंद्र नाम का एक शख्स बताया जा रहा है जिसके यहाँ पर सप्लाई होने थे सिलेंडर। पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची अभी? जी बिल्कुल, पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया था कल रात को ही और बताया जा रहा है कि पहले से ही बड़े लंबे समय से अवैध गैस की रिफिलिंग यहाँ पर करते थे। और आपको बता दें कि आने वाले समय में उसका मेला जो है अजमेर में भरने वाला है, तो बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर की आवश्यकता होगी। उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है ये जो अवैध रिफिलिंग का काम है वो अजमेर में अलग अलग स्थानों पर बड़े स्तर पर चल रहा था। और इसी दौरान जो अजमेर एसपी को इसकी सूचना मिली कि अवैध गैस रिफिलिंग का जो है गोरख धंधा वो अजमेर में अलग अलग स्थानों पर चल रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक टीम का गठन किया गया और इस टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम यहाँ पर दिया है, जिसमें 74 सिलेंडर को जब्त किया गया है। वही एक बड़ा टैंकर जिससे ये अवैध रिफिलिंग की जा रही थी, इस तरह की रिफिलिंग जो है अजमेर में अलग अलग स्थानों पर की जाती रही है। तो इस मामले में अभी पुलिस और रसद विभाग की टीम कार्रवाई में जुटी है और किस तरह से और जो रिफिलिंग के धंधे चल रहे हैं उन पर भी नकेल कसने का यहाँ पर जो है काम किया जा रहा है। जी शुक्रिया आपका अशोक, तमाम जानकारी आपने साझा की इस खबर पर। तो देखिए कार्रवाई लगातार जारी है और यहाँ पर जो है पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है पुलिस की ओर से। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए।